हमारे साथ दादी हैं जो बाबा साहब के लिए खाना बनाती थी। बाबा साहब उनके परिवार पे बहुत भरोसा करते थे और उनके परिवार ने ही बाबा साहब का तालेगांव वाला घर बनाया था। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दादी से मुलाकात हो पाई और उनसे कुछ चीज़ें हम पूछने वाले हैं। तो ये बाबा साहब का घर था जो अभी हमने देखा जल्दी जल्दी, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मतलब आप सोचिए, वो टेबल, वो कवर्ड, वो हैंगर, मज़ा आ गया देख के। और बाबा साहब का घर का सही इस्तेमाल जो है ना यहाँ। अच्छा, ये देखिए, ये एक्चुअल में फोटो है बाबा साहब के इस घर का। कैसे हो आप लोग? ये देखिए, बैकग्राउंड में बाबा साहब की एक बहुत प्यारी सी फोटो है। और आपको पता है मैं किसके घर पर हूँ? चलो एक हिंट देते हैं आपको। काफी सारे और आंध्र प्रदेश का कार्य जारी है और लगभग पूरा आंध्र प्रदेश जो है उस समय पर बौद्धमय था। कैसे हो सागर? जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। बढ़िया है हम और आज इन्होंने बोला कि है ना, आप हमारे घर आइए जी। और हम आपको पुणे में कुछ खास चीजें बताते हैं। और इन्होंने रात को जो जो चीजें बताई ना, वो जी सच में कुछ ऐसी थी जो अगर मैं मिस कर देता ना जी तो गलत हो जाता। जी हाँ, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, मतलब बाबा साहब के जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे जिस प्रकार से बोधिसत्व चैनल का कार्य चलता है, बहुत शानदार काम जो चलता है। मतलब ये वन ऑफ द फेमस जो यूट्यूबर है जो बुद्ध से जुड़ी हुई इतनी डिटेल में चीजें निकाल के लाते हैं ना, जी देख हाँ के मजा आ जाता जी है। हाँ, जैसे जिस प्रकार से आप लोगों को, मतलब किस प्रकार से एज अम्बेडकर राइट जीना चाहिए, और जिस प्रकार से बाबा साहब से रिलेटेड जो भी जितने भी स्थल जहाँ पर बाबा साहब रुके थे या फिर बाबा साहब ने अपना कीमती समय बिताया था, ऐसे स्थल यहाँ पर भी है। और इस क्षेत्र में आपको आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर आपको लेके जाने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली, जिसके आप भी जानकारी देना आगे। सागर जो है ना, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि है ना, मैं ग्वालियर आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। मैंने, तुम तो नहीं आए लेकिन मैं आ गया। थैंक यू और अपन अब सर। चलने वाले। यस यस, अभी चलने वाले हैं। सबसे पहले बाबा साहब यहाँ पर तलेगांव दाभाडे नाम का एरिया है, जो कि पुणे जिले में मावल तहसील में है। यहाँ पर करीबन 4 से 5 साल बाबा साहब रहे थे, और उनकी बहुत सारी जो जमीन है यहाँ पर बाबा साहब के नाम पर थी। तो आज कुछ शेष जमीन जो है यहाँ पर आज भी बाबा साहब के नाम पर है, और एक बाबा साहब का घर है, वह हम देखेंगे। अरे वाह, मतलब यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने उस जगह को खरीदा था। 45 एकड़स, लगभग लगभग 45 एकड़ जमीन खरीदी थी और वहाँ पर घर भी बनाया था, वहाँ रहते भी थे। वहीं जा रहे हैं, चलते हैं। ज्यादातर जितने भी यूट्यूबर है बाबा साहब का नाम लेते हैं, वो कभी भी बाबा साहब के घर नहीं आए। हम जैसे घूमते रहते हैं ना, यहाँ तो कुछ प्रोग्राम चल रहा है ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, अपने लोग हैं सर। नहीं, मतलब कुछ है यहाँ पे ऐसा लग रहा है। गाड़ी भी खड़ी ना, हाँ, क्योंकि हमें तो बस यही पता है कि वो एक राजगृह है, एक सतारा में है, और ऐसा कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं है। नहीं, तो ये इसकी घर क्यों बनाया गया था? अच्छा, यहाँ पे उनको विद्यापीठ बनाया था, घर नहीं बनाया था। विद्यापीठ बनाया था? ये विद्या 41 एकर्स की जमीन ली थी। 41 एकड़ की जमीन थी हाँ, तो कहाँ है जमीन? ये सभी जगह, जब ये बिल्डिंग जो बने ना, सभी उसकी जगह हुए। अभी जो आपने एंट्रेंस किया होगा ना, हाँ, वहाँ से वो जो रोड जा रहा है वो पूरा। नहीं तो 41 तो वो क्या बेच दी फिर? हाँ, किसने बेच दी? मतलब बाबा साहब ने बेच दी? नहीं, बाबा साहब के बाद में गए। हाँ अच्छा, मतलब ये पूरा जो एरिया हमने दिख रहा है, ये पूरा एरिया मतलब प्राइवेट बाबा साहब की जमीन थी ये, यहाँ पर ये सब बिल्डिंग वगैरह। भारत का संविधान, ये मेटल का है क्या? नहीं, मेटल का नहीं है। ये देखिए, एक ये दृश्य क्या कब का है? जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया था। और यहाँ पर एक घर, ये घर वही पुराना है या कुछ पुराना इन? पुराना, उसमें कोई क्योंकि ये अभी, प्लास्टर तो नया लग रहा है हाँ उसको डेवलपमेंट किया ना, उसी घर को। स्ट्रक्चर एज इट इज है, अच्छा, मतलब उसी घर को वापस से क्या बोलते हैं उसको, रिस्टोर किया रीडेवलप गया किया है, गया। रिस्टोर किया गया है। और ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। और ये जो पहला जो दिख रहा ना, उस टाइप का था। अच्छा, उस समय भी आप ये सब प्रोग्राम कर रहे थे। और ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, विजिटिंग एरिया है यहाँ पर, गेस्ट आए इसको तो मराठी में बैठने। वराना बोलते हैं। वारंडा? वराना, वराना, अच्छा, वरांडा। वराना।
तो ये विजिटिंग एरिया था, यहाँ पर आप बैठ सकते थे, यहाँ चेयर वेयर भी लगी होंगी। और इधर से भी देखिए जरा, वही इस घर के बारे में तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी है। और यहाँ पे देखिए, अरे ये जो है मेडिटेट कर रहे हैं, ये जो टेबल है बाबा साहब के, स्टैचू कितना बड़ा स्टैचू। इसकी एक खासियत ऐसी है कि इसको अपन छोटा भी कर सकते, मतलब डाइनिंग टेबल भी कर सकते, स्टडी टेबल भी कर सकते। छोटी मूवेबल है, अच्छा। ये जो है ये निकल जाती और उसको अपन नजदीक कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो व्हील है, देखो ये देखो, ये नीचे व्हील लगा हुआ है और ये जो है बीच का लकड़ी हटता है और ये छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो मतलब कितना, आज भी हम इस टाइप की चीजें वीडियो में देखते हैं। जी, जी, जी। वो होता है ना कुछ, टेबल छोटी हो गई, बड़ी हो गई, और चाइना के जो वो बाबा साहब ने उस समय ले रखी थी। वो तेरी तो समय का है, ये बाबा साहब का वार्ड है। इसकी आवाज, इसमें हैंगर है जो ओ कोट, अभी बाबा साहब की कोट। और एक तेरी तो ये हैंगर, अभी ऐसे हैंगर नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये लकड़ी के हैंगर है। अरे बाबा साहब का अलग ही स्टाइल था यार, अलग ही स्टाइल था बाबा साहब का। इसको खाली हमने एक बार पॉलिश दी है। क्या बात है, मतलब ये ऐसी चीजें जो इस्तेमाल तभी की जा सकती। बाबा साहब विदेश गए थे, वहां पर बहुत कुछ ऐसा देखा था जो भारत में तो हमको इस्तेमाल करने दिया ही नहीं जा रहा था। उन्होंने वहां जाके वो देखा और उस सारी चीजों को यहाँ पर लाए। और आज भी 35 स्टूडेंट यहाँ UPSC MPSC और स्पर्धा परीक्षा के एग्जाम स्टडी करते हैं यहाँ पर। मतलब ये जो जगह है वो अच्छा अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सर पहले इस जगह का इशू था ना कुछ, वो इशू क्या था थोड़ा सा बताइए। ये बच्चे जो हैं, डिस्टर्ब करूँगा मैं, डिस्टर्ब कर सकता हूँ थोड़ा सा? क्यों बेटा, आप यहाँ पढ़ने के लिए जगह दी हुई है आपको, ये यहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ से हो आप? हम CRPF कैंप से आते हैं। कहाँ से? CRPF कैंप। CRPF कैंप से हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब बुक्स वगैरह और बैठने की व्यवस्था की जाती है? Yes. रहते कहाँ हैं आप? हम CRPF कैंप में। देखो प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं क्या? प्रोग्राम की तैयारी कौन से, भीमा कोरेगांव? हाँ भीमा, मतलब यहाँ पे हम डेकोरेशन वगैरह करते हैं। एक तारीख को। ओहो, देखिए कंप्यूटर एक जने 10 दे दिया है। लाइब्रेरी है अपनी, यहाँ फूलों की खुशबू से कमरा भरा हुआ है। लेकिन ये अभी इसको कंप्यूटर लैब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये सारे कंप्यूटर जो हैं, ये बच्चे लोग पढ़ते हैं, इस पे कंप्यूटर चलाते हैं। और सामने बाबा साहब के वॉल्यूम्स रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं, लाइब्रेरी भी है ये एक तरीके से। वाह, बाबा साहब का घर का इस्तेमाल बहुत सही हो रहा है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर मतलब किताबें और ये सब जगह, आप रहते कहाँ पर है? यही पास में रहते हैं। मतलब आपको ये एक जगह मिली है यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं बैठकर? हाँ हाँ। क्या बात है, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर? अच्छा है, और बाबा साहब का घर है तो उससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। अरे वाह वाह, उससे आपको एक हिम्मत भी मिलती है कि कुछ करना है हमको। हाँ हाँ। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू बात करने के लिए। और इनमें से कोई एक रूम होगा जो बाबा साहब जिसमें सोते होंगे हाल फिलहाल, उसका जो सही इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, बुद्धा का स्टैचू है, यहाँ मेडिटेट कर सकते हैं। और ये घर के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा ये देखिए, ये एक्चुअल में फ़ोटो है बाबा साहब के इस घर का, जो इस हाल में था लेकिन उसको बाद में ठीक करवाया गया। एक कानूनी थोड़ा सा इनका मतलब ये प्रोसेस चला था। अच्छा। उसके बाद ये जो जगह है मतलब यहाँ का कुछ बहुत से प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हुए। ये जो है ये फ्रंट साइड थी। ये फ्रंट था? हाँ ये फ्रंट था। ये बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में फ्रंट था। और इसका लुक देखिए जरा आप कैसा है।
बाबा साहब यहाँ पर अपने आखिरी समय में थे, तो बाबा साहब ने यहाँ पर कुछ द बुद्धा एंड हिज धम्मा और ऐसे इंडियन लोग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान भी कुछ यहाँ लिखा है, ऐसे लोग कहते हैं। कुछ संदर्भ है लेकिन बाबा साहब जब जब भी आए तो हाँ माए साहब ने जो किताब लिखा है बाबा साहब के सहवास में, उस किताब में एंट्री है तलेगा कि बाबा साहब ये तारीख को आए थे। तो ये बाबा साहब का घर था जो अभी हमने देखा जल्दी जल्दी, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मतलब आप सोचिए, वो टेबल, वो कवर्ड, वो हैंगर, मजा आ गया देख के। और बाबा साहब का घर का सही इस्तेमाल जो है ना यहाँ हो रहा है, मतलब उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गजब है, जबरदस्त, मजा आ गया। पहले नौता नहीं वाली जगह पार्किंग थी, आता जाली जगह माई तो नहीं पकड़े। ये सब लोग आए रहे हैं यहाँ पर? हाँ आए। आज क्या है जो ये लोग आ रहे हैं? ये भी भीमा कोरेगांव के लिए जो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये सब भीमा कोरेगांव वाले लोग हैं जो कल भीमा कोरेगांव जाएंगे या रात को भीमा कोरेगांव पहुंचेंगे। हाँ। और ये सब के सब बाबा साहब के घर को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। हाँ। ओहो बहुत लोग हैं यहाँ तो, और पूरी बस भर के आई है यार यहाँ तो। जी पूछूं कैसे आप लोग भीमा कोरेगांव जा रहे हैं क्या? कल अभी उसी के लिए आए ना? कहाँ से आए हैं आप लोग? नागपुर से हैं। बाबा साहब घर देखने जा रहे हैं ना? ये देखो पूरा टीम है यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, गजब यार। इसे बोलते हैं बाबा साहब का प्यार। उम्र देखिए उनकी 80-85-90 साल वाली सब निकालिए, दो निकाल लीजिए। हाँ दो निकाल लीजिए, आप नहीं भी हो गए क्या? फिर एक निकालिए फिर। नहीं मतलब पीजिए, थोड़ा एनर्जी आएगी हमको, आज बहुत घूमना है, क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोग है ना, जैसे बताया आपको हमारे वीडियो का, हमारे जो ब्लॉग्स का थीम है बाबा साहब की खोज, तो यहाँ पर एक खास महिला है, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। क्या स्टोरी है उनका? मतलब जो महिला है ना, उनका नाम है काशीबाई गायकवाड़ नाम है उनका। और बाबा साहब यहाँ पर जब तळेगाव में आते थे तो बाबा साहब को वे खाना खिलाया करते थे। अच्छा। तो वे आज भी जीवित है और उन्होंने बाबा साहब को जिस बर्तन में खाना खिलाया है वे बर्तन उनके पास आज भी उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। और वो बताएंगे आपको उनके पास ही क्यों आते थे बाबा साहब। मतलब आते थे तो शायद से उस समय पे लोग मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा अच्छा, इसके कारण तो देख रहे हैं मतलब कितनी डिटेल में हम चीजों को पास जाकर उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ताकि एक डॉक्यूमेंट्री बना के रख पाए। सो दादी बताएगी आपको कि वो जब बाबा साहब यहाँ पर आते थे तो वो दादी बाबा साहब को क्या क्या खिलाया करते थे, वो सारी बातें बताएंगे आपको। बाबा साहब का जो घर था वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर एक घर है जहाँ पर हम लोग आए हैं, जो स्टोरी आपको अपने बताया था। तो जिस घर में हम लोग अभी रुके हुए हैं ना, यहाँ पर एक खास कहानी है। जो घर आपको भी हमने दिखाया है ना, वो घर जिन्होंने बनाया था उनके उनके क्या ग्रैंड सन के घर में है हम। हाँ। और कहानी कुछ ऐसी रही कि ये बाबा साहब जो है तलेगांव में एक ना कॉलेज खोलना चाहते थे। उन्हें मिलिंद कॉलेज खोला, उन्हें औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज खोला, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस खोले, लेकिन वो गांव में कॉलेज खोलना चाहते थे। तो तलेगांव में जब बाबा साहब को जो है एक कॉलेज खोलना था और वो चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले उनको जो उनका ही व्यक्ति हो और ताकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ काम कर सके, तो यहाँ पर जो तात्रेय लिंबाजी गायकवाड़ उनको मिले यहाँ पर, जो कि यहाँ पर व्यापार कर रहे थे और अच्छा खासा उनका बिजनेस चलता था। और उन्होंने जो घर आपको हमने अभी दिखाया वो घर उन्होंने बनाया, वहाँ पर दो कुएँ खुदवाए, एक में पानी नहीं निकला था, दूसरे में पानी निकला। और यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग थी बाबा साहेब की, और उसके बाद जो उनके बेटे थे और उनकी वाइफ थी वो उस घर में शिफ्ट हो गए। और बाबा साहेब जब भी मुंबई से पुणे जाते थे तो उस घर में रुकते थे, वहाँ पर खाना खाते थे, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता भी होते थे, तो जो भी वो सेवा करते थे वो दादी अभी हमारे साथ में है। काशीबाई गायकवाड़ नाम है इनका। 94 एज हो गई इनकी। 94 एज के है। तो अभी हिंदी में बात करते हैं, हिंदी नहीं समझ। आप बात करना, आप बात करो, फिर मुझे हिंदी में बताना। जय भीम। जो की इनके हस्बैंड है। हाँ, ये मानक बात। हाँ।
उनके हस्बैंड है दत्तात्रेय साहब, और जो लिंबाजी गायकवाड़ है इनके दादाजी है जो वहाँ पर। तो जो दादी है इन्होंने ना बाबा साहब को 48 टाइम्स ऐसा बोल सकते हो कि उन्होंने खाना खिलाया, उनके जो कार्यकर्ता थे उन... बाबा साहब इतने आए थे, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब इतने आए थे इकड़े घरी, त्यावेळेस बाबा साहेबांना जेवायला तुम्हीच द्यायचे जेवायला, जेवायला हा, तो बाबा साहब को खाना यही खिलाते थे। काय काय द्यायचे जेवायला, काय द्यायचे जेवायला, काय आपलं वरण भात दाल चावल, अजून अजून काय खायचे बाबा साहेब, बाबासाहेबांना रोटी, ज्वारी का रोटी, रोटी द्या उन्होंने, अजून काय आवडायचं, आवडायचं काय आवडायचं बाबासाहेबांना, बाबासाहेबांना भाकरी, भाकरी आवडायची, अजून काय सोबत त्याच्या, भाकरी आवडायची, भाजायची, भाजी कसली भाजी खायची बाबासाहेब, भाजी कसली खायची, भाजी भाजी कशाची, कशाची, अच्छा मेथीची भाजी, मेथीची भाजी खायची बाबासाहेब, बोंबलाची, 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 बोंबल, बोंबल, बोंबिल, बोंबिल, बोंबलाची चटणी, बोंबलाची चटणी, चटणी, बोंबलाची चटणी। तो ये अभी ज्यादा उम्र हो गई है तो इनको ज्यादा बात करने नहीं आता, तो ये बता रही है, ये अभी भी उतने ही उत्साह में है, जैसे आज हम यंग हैं, तो उनका आप उत्साह देख सकते हो, उनकी ऊर्जा देख सकते हो, उन्होंने जैसे बाबा साहब का नाम लेते ऐसे कर रहे बाबा साहब, मतलब वो अभी भी याद है उनकी, ताजा है बाबा साहब से मिले। ये सातवीं तक पढ़ा है मुंबई में। अच्छा, सातवीं तक पढ़े है। बाबा साहब का स्वभाव कैसा था, गुस्सेल थे, कभी नहीं, कभी नहीं गुस्सा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया, कैसे होते, कैसे होते, मायाड़ू होते का, खूब मायाड़ू होते, मायाड़ू होते, सर्टिफिकेट दिया बाबा, इनके ग्रैंडफादर को सर्टिफिकेट दिया बाबा। अच्छा अच्छा, he is very honest and hard working person and very reliable in deadline in dealing dealings Deccan track. He know building and road work as well as I can confidently recommend it him for the type of commercial mentioned work above mentioned तो जिन्होंने बोला ना जो जो बातें रखी उसका प्रूफ यहाँ पर बाबा साहब जो वो घर बना था ना ये बाबा साहब ने उनको एक करेक्टर सर्टिफाइड दिया था करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था कि जो घर बना बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया पूरे ईमानदारी से बनाया गया उस घर को और वेल कंस्ट्रक्ट किया गया और ये भी बताया गया कि जो इनके ग्रैंडफादर थे वो बहुत रिलायबल थे उस काम में और जब आप खुद सोचिए कि इनके फादर जो है उस घर में रहते थे इनकी मदर जो है उनके लिए बाबा साहब के लिए खाना बनाती थी तो कितने भरोसेमंद व्यक्ति होंगे बाबा साहब के और दादी खुद बोल रही हैं मतलब ये हमारा खुशकिस्मती है कि मैं हम उनसे मिल पाए 18 या 19 साल उनकी उम्र सॉरी उनका 29 का ही है 29 का बर्थडे और फिर 48 में कितना होता है 19 या 20 साल के तब दादी का उम्र था तब बाबा साहब यहाँ पर आते थे तो मतलब और अभी दादी की एज 94 है और मेरा जन्म बंगले पर हॉस्पिटल में हो गया लेकिन 50 में आप बंगले में मतलब बचपन में रहे हैं जब आपका जन्म हुआ तो आप वहीं कई साल आपने भी गुजारे उस घर में 4 साल गुजारे अरे वाह बोला चलो आती है लेकिन डॉक्टर क्या बोला नहीं नहीं अभी हम नहीं छोड़ने वाला आपको आपके दिन भर गए हैं कभी भी ये हो सकता है मतलब आपका जन्म होने वाला था और बाबा साहब घर आए थे और तभी दादी ने बोला कि चलो हम घर जाके खाना बना के बनाएंगे तो बोले नहीं 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 जा सकते आप ओहो पिताजी ने उनको आग्रह किया तो वो बोले कि आपके इस पर भरोसे पर आप ले जा सकते हैं क्या हमारे जो रिस्पेक्ट पर हमारा ये नहीं रहेगा हमारा उसमें ये नहीं रहेगा हम जिम्मेदार नहीं है तो माँ आए बाबा साहब के लिए खाना बनाया और वापस और बड़ी बात है इसमें लिखा हुआ है इन्होंने वो घर बनाया था लिंबाजी गायकवाड़ जी ने और हमारे पिताजी है उनका जो
यंग थे जब का फोटो है, उनके पिताजी मेरे पिताजी और ये ग्रैंड फादर, ये फादर है। अच्छा 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 अच्छा, जब यंग थे तो आपके पिताजी ऐसे, ये फोटो है उनका और उनके ग्रैंड फादर। हाँ, मेरे ग्रैंड फादर उनके। हाँ मैं समझ गया, वही बोल रहा हूँ। वो पिताजी का वो फोटो मैंने देखा, वो रिकॉर्ड किया वो भी। हाँ, मैंने वो जरा थोड़ा सा एज हो रहा है। हाँ, ये एकदम यंग थे। तो ये पूरी एक हिस्ट्री थी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, और तालेगांव का जो बाबा साहब का घर था उसकी क्या कहानी थी वो जानने को मिली। और एक एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र में सबको पता होगा कि, लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता है ना, लैंग्वेज बैरियर जो है ना उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता। क्या है वो, किसी का बुरा नहीं ये करता, लेकिन क्या है इधर के कोई कुछ लोगों ने उसका गलत ये किया। तो वो यहाँ का जो कॉलेज है वो क्यों नहीं बन पाया? यहाँ कॉलेज बना है? नहीं बना है ना। क्यों, वो क्यों नहीं बना जब बाबा साहब ने जमीन ली थी कॉलेज की? जमीन ली थी, इधर कुछ सुविधा कुछ नहीं था क्या, इसलिए उसने पोस्टपोन किया। अच्छा, कि भाई अभी अच्छा, बाद में बनाएंगे। हाँ, तो इस, लेकिन वो बन नहीं पाया वो। हाँ, लेकिन क्या है वो बन पाता था लेकिन उसमें उनका देहांत हो गया। उनका मन में ये बनाने के लिए लिया था, रहने के लिए नहीं लिया है वो। जो मतलब वो वहाँ पर एक घर बना के पूरा का पूरा वहाँ पर रहते हुए वो पूरा कॉलेज को डेवलप करना चाह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी यहाँ पर और उन सब चीज़ों के कारण वो डिले होता चला गया। हाँ, और फिर उसी दौरान बाबा साहब का देहांत हो गया और ये नहीं बन पाया। लेकिन फिर वो जमीन कहाँ गई? जमीन फिर बेच दी वो। किसने बेच दी? माई साहब और भैया साहब ने, उनके उनके वंशज बेच क्यों दी? ये मतलब ये सारे जो बर्तन हुआ करते थे, ये सारे जो बर्तन थे जिसमें बाबा साहब के लिए खाना बनता था या उनको खिलाया जाता था, और बहुत थे। हाँ नहीं, ये बच रहे, इसको आपको है ना यहाँ पर एक क्या म्यूजियम सा बनाना चाहिए आपको अपने घर में, इससे आप खाना बनाते थे बाबा साहब के लिए। काय भाजी बीजी आपली इथे तर ठेवायची, बाकी पुरानी यादें उनको याद आई होंगी सब देखकर एकदम से। अभी बहुत से भूल जाती है, एज भी बहुत हो गई उनकी। जो आ गए ना फिर सुन लिया। हां उसको ले जाना, बोंगले चटनी आ रही है। बोंगले चटनी भी बोल रहे हैं, बोंगले की चटनी बाबा साहब को पसंद थी। पसंद थी उनको बोंगले चटनी। दादी देख रही हैं बर्तन सबने कोशिश कर रही हैं। अभी यहां से चलेंगे इधर वो जी, उनके अंदर अभी वो एनर्जी दिख रही है वो। मनसे आवा। हां जय भीम भाई, ताई जय भीम, मम्मी चला, खूब खूब मनसे आवा ताई, बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर। फोटो निकालते हैं इनके साथ ही। हां बिल्कुल बिल्कुल। ये धनंजय कीर, उनको ये बाबा साहब का चरित्र लिखा है इन्होंने, उन्होंने लिया है वो बाबा साहब के हैंड के छाप लिया। 1936 के, 1936। सबसे अच्छा धनंजय कीर का ये है। अच्छा चरित्र है। आप सभी को थैंक यू, जय भीम सभी को, आप सबको। तब गए थे फोटो निकालने के लिए, ये पिताजी, ये देखो, ये माँ, ये मैं, ओ, और ये पिताजी की ग्रैंड मदर। अरे बाप देखा, ये ऊपर वाला फोटो कब का है? ये यही का है? नहीं यही के नहीं है, वो ऐसे छाप। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मौसी है, ये अभी एक्सपायर हो गए, एक साल हो गया। अच्छा अच्छा। ये इनका कजिन है। और ये है जो छोटी हमारी बहन है। और अभी जो है जो इस पूरे मैटर पर एक किताब भी लिख रहे हैं सर, और वो बहुत जल्दी रिलीज होगा, और वो हम है ना कोशिश करेंगे हमारी वेबसाइट tathagat.live पर भी आए, ताकि ये जो हिस्ट्री है वो लोगों को भी पता चले कि क्या हुआ था यहाँ पर। और दादी को आपने देखा ना 94 की एज है उनकी, उसके बाद भी उनके चेहरे पे बाबा साहब का नाम लेते कैसे खुशी आती है, अभी भी वो उत्साह है। और जो
कहानियां बताई ना वो लाजवाब थी। थैंक यू सर। अरे दो मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते, हम एक वेबसाइट चलाते हैं tathagat.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा tathagat.live पर। tathagat.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।